सी के एक नया क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 99 से ठीक ठीक विभाजित है? संख्या मेरे पास चार है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 99 को का टू फैक्टर लिखेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा प्राइम फैक्टर लिखने का। तो 99 का टू फैक्टर क्या होगा, 11 एंड 9। अब 11 एंड 9 से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो 99 से भी डिवाइड होगा। तो अब हमको ये आसान हो गया 11 और 9 से चेक करने में। तो 9 से कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे इस नंबर का, क्योंकि ये नंबर 99 से डिवाइड है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे 27 आ रहा है, 27 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब 11 से चेक करने का क्या रूल है कि एक अंक छोड़ के 5 प्लस 6 प्लस 8 कर लिए, -3 प्लस 5 कर लिए, अगर वो 11 या 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह ये नंबर जो है सो 9 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर 99 से भी डिवाइड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, अगर कोई नंबर 99 से ठीक ठीक विभाजित हो रहा है तो कैसे चेक करें, तो 99 के टू फैक्टर लिखने हैं, तो एक 11 एक 9, अगर वो नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाएगा 9 से भी डिवाइड हो जाएगा तो फिक्स है वो 99 से भी डिवाइड होगा। तो इस नंबर को हम चेक करते हैं, इस नंबर को हम चेक करेंगे तो सभी नंबर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8, ये होता है 27, जो कि 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। 11 से डिवाइड का रूल है कि इवन प्लेस और ओड प्लेस का नंबर को माइनस कर देते हैं, तो 5 प्लस 6 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5, क्योंकि 5, 6 और 8 ऑड प्लेस पे है, 3 और 5 इवन प्लेस पे है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस करके 11 आ गया, इसका मतलब ये नंबर 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर 99 से भी डिवाइड हो रहा है। थैंक यू।